नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 1 के थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैं पूरा मेंशन कर चुका हूं चैप्टर के बारे में, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑल थिंग्स ऑफ देयर। और सेकेंड वीडियो में मैं आप दिखाया हूँ 1.1 एक्सरसाइज के सोल्यूशन, 1.2 का सोल्यूशन। तीसरी वीडियो में लेकर आ रहा हूँ 1.3 और 1.4। तो 1.4 और 1.3 में क्या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे आगे। 1.3 लेसन है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द नंबर्स 36 अपॉन 100 इन द डेसिमल एक्सपेंशंस। इसको डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करना है और ये बताना है किस प्रकार का एक्सपेंशन है। तो दो प्रकार के एक्सपेंशन मैं फर्स्ट वीडियो मेंशन कर चुका हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रिमाइंडर बिकेम जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज द डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रिमाइंडर नेवर बिकेम जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यहां पर जैसे 36 है, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो हम 0 डेसिमल लगा करके लिख सकते हैं, 3 चांस जा सकता है, 300 06, फिर एक 0 और बढ़ा लीजिए 600। अब यहां रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कर सकते हैं और डेसिमल एक्सप्रेशन बन गया 3.6। लिख सकते हैं इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग नेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक और नॉन टर्मिनेटिंग करने का पोर्शन चल रहे हैं, सेकेंड पार्ट में गिवन है 1/11। 1/11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम कंडीशंस आप दिया, 1 में हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो डेसिमल बढ़ा करके 0 ले जाएंगे, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ाएगा 99 हो जाएगा, फिर 1 बन जाएगा, फिर 0 बार, फिर 9 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, यहाँ 1-1 रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर रिपीट स्टार्ट हुआ वही स्टॉप कर दीजिए और आपका ये 09090909 बार बार आता रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं 0.09 बार लिख लेंगे। जो डिजिट बार बार आता रहेगा उसको हम बार लगा देते हैं ऊपर। अब इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ये इस तरह का ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन में आपका दो चैप्टर वन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप डिवाइड करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और डेसिमल एक्सपेंशंस में क्या है। जैसे रिपीटेशन स्टार्ट होगा या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बार बार और डिजिट आता रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के रिपीट करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक पॉइंट से यहां पर है, 1/7 की वैल्यू दी गई है, 0.1 142857 142857, ये नंबर दिया गया है बार के बाद में, मान लिया गया। और पूछा क्या गया है कि इसको 2/7 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 3/7 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 4/7 की वैल्यू फाइंड कीजिए। किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 1/7, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11 एंड 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, और डेसिमल यहां रहेगा, फिर यहां पर बार लग जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम 3 × 1/7 कर देंगे, 4 × 1/7 कर देंगे, और इस प्रकार से जो भी नंबर आएगा आप मल्टीप्लाई करते जाइए, इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है इस पर। फर्स्ट पार्ट है आपका 0.6 बार, हम इसको कैसे जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका होगा लेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0.6 बार, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट का अगर रिपीटेशन होता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से है तो 100 से 1000 तक से बढ़ता चला जाएगा। अब जब सेकेंड हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टेन बोथ साइड, तो 10 × P/Q इज इक्वल टू 10 × 0.6 बार, तो 10 P/Q इज इक्वल टू 6.6 बार, यह आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो ध्यान रखना कि 0.6 बार को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल आपका यहां आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 10 × 0.6666 लग दिस, हम 6.6666 डॉट डॉट करता जाएगा, इसको हम लिख सकते 6.6 बार, तो यहां पर 6.6 बार हो जाएगा। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन, ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड क्या बन जाएगा आपका, 10 P/Q - P/Q इज इक्वल टू 6.6 बार - 0.6 बार, जब माइनस करेंगे तो 9 P/Q इज इक्वल टू 6, तो P/Q इज इक्वल टू 6/9, यहां भी लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो 2/3 भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल तरीका आपका है कि अगर कोई भी है कि जिससे 0.23 बार है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 23/99, 0.234 बार है 234/999, डायरेक्ट भी आप नंबर लिख सकते हैं, इस प्रकार का ये पोर्शन आपका होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पूरा क्लियर होता है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका इरेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 8
इरेशनल नंबर नंबर बिटवीन 5/7 एंड 5/7 एंड 9/11 How we find the irrational number between this and this? The first point will be write 5/7. Is what you can write 0.71 and 9/11 equal to 0.81. अब इनके बीच का इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो सिंपली आपको पॉइंट्स होगा कि इरेशनल नंबर बिटवीन फाइव अपॉन सेवन एंड 9/11 आर फर्स्ट पॉइंट, 7 के आगे 0.72100100001 लाइक दिस 0.73100001 लाइक दिस 0.74100001 इस तरह से आप सब इरेशनल नंबर दोनों के बीच का लेना होगा, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का 1.3 में इतना ही है, एक क्वेश्चन और मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ विल रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, हाउ विल रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, वन क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चन आर देयर, वन क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सॉल्व, 3.765 How will represent on the number line? Second, first exercise में आपने देखा होगा, तो इसमें लिखा गया है rational number between two numbers. Second is represent the irrational number on the number line. Third exercise में convert the form of p upon q. Fourth exercise में आपका दिया गया है कि represent the decimal number on the number line. इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि विशेष ध्यान देना, यहाँ से एक line draw करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप लेंगे कि यहाँ पर पॉइंट्स आपका होगा 3.0, यहाँ पर लिखेंगे 4.0, क्योंकि 3.7565 का मीनिंग है कि 3 से आगे होगा 4 से कम होगा, तो इसके बीच में हम लेकर के 3.0 कर लेंगे 4.0 कर लेंगे, इसके बाद हमको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1.8। हम इसको लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, like this. अब फर्स्ट डिजिट हमारा है 3.7, फाइंड आउट 3.7 इज वेयर, तो 3.7 आपका यहाँ हो गया, अगला वैल्यू उसको होगा 3.8। Just like this here also same position will be there. यहाँ लिखेंगे 3.70 और ये points हो जाएगा 3.80। इसको हम इससे लेकर के इसको join भी कर सकते हैं, इसको लेकर के हम इससे join कर सकते हैं, फिर इसको भी वैसे ही 10 part में divide करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब अगला हमारा है 76, 3.76 फाइंड आउट दिस इज द 7 पॉइंट, दिस अगला वैल्यू इज इक्वल टू दिस, लाइक दिस ईयर आल्सो this value will come here 3.76 and this value will come here 3.77 or
Then part again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 like this. So 3.761, 3.762, 3.763, 3.76, 3, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 1, 2, 3, 4, 4 here, 5, 6, 7, 8, 3.769. Now here your large value 3.765 is where? Here. This value will be 3.765. इस प्रकार से आपका डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो सकता है। और कोई भी क्वेश्चन आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का होगा आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में आपको मिलेगा 3.1.5 और 1.6। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।